अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इस्लाम ने दो ईदें मुसलमानों के लिए वाज़े कर दी, ईद उल फितर और ईद उल बकरा या ईद उल अज़हा जिसे कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ अनासिर ने एक तीसरी ईद मनाना शुरू कर दी और सड़कों पर निकलकर हर हद पार करते हुए सबको हैरत में डाल दिया। जरा आज की वीडियो को देखिए, लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 बरस की उम्र गुजारी सिवाय रोजे के, यानी अपने योम पैदाइश पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। कभी सेलिब्रेशंस नहीं हुई, कभी सहाबा जलसे जुलूस लेकर नहीं निकले, काफले लेकर मुख्तलिफ एरियाज के चक्कर नहीं लगाए गए, महफिलें सजा कर ढोल धमक्के वाले काम नहीं किए गए, कवाली की महफिलें नहीं सजाई गई, लोगों को तंग नहीं किया गया, जुलूस नहीं निकाले गए, डिस्टर्ब नहीं किया गया। लेकिन न जाने किस मजहब के तहत, किस निज़ाम के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है। हर शख्स का अपना फेल है, लेकिन आंखों देखी कुछ चीज़ें जो हमने आपके सामने रखी, जिसमें म्यूजिक के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा रहा था, सड़कें ब्लॉक करके कई लोगों को असियत में डाल के अहले तशी हजरात की तरह हदे पार की जा रही थी, मस्जिद नबवी की शबी अहले तशी हजरात की तरह गाड़ियों पर रख कर इलाकों के चक्कर लगाए जा रहे थे, नमाजें इसी जलसे जलूस में मिस की जा रही थी। यकीन मानिए, मगरिब की अजान होते हमने देखा, बजाय इसके कि नमाजें पढ़ी जाती, अपनी महफिल को जारी रखा गया और शोर शराबे में अजान का भी एहतराम नहीं किया गया। एक पीर साहब थे जो कि लेकर काफिला जा रहे थे, मीलाद के हवाले से ही अजाने हो रही थी, उन्होंने काफिला नहीं रोका। अब अगर पूछा जाए तो वो कहेंगे हमारी नमाजें ही मक्का में होती हैं। मोहतरम का ताल्लुक भलावड़ा शरीफ से है। बहरहाल कई ऐसे हैं जो कि सादा लोगों को भी खराब करते नजर आए। बहरहाल आज की वीडियो पर राय दीजिएगा और इसे आगे भी लास्ट में शेयर कीजिए।